तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू अंशु। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this train. Hello guys, कैसे हैं आप लोग? आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है मेहरा जी गए हुए हैं सितारगंज किसी काम से, तो आज ब्लॉगिंग मैं ही करूँगी, मैं ही आपको पूरा ब्लॉग शूट करके दिखाऊंगी। ये है हमारा खूबसूरत सा घर और अंशु है स्कूल, उसका एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी 11 बजे छुट्टी रहेगी तो मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले मुझे थोड़ा सा काम है मार्केट में, वो निपटा के मैं स्कूल से लेकर आऊँगी घर। और आज शाम को हम मम्मी लोगों के घर जाने वाले हैं, मेहरा जी की मम्मी जी के वहाँ, मतलब मेरी सासू माँ के वहाँ, तो वहाँ का भी आपको ब्लॉग दिखाऊँगी पूरा। तो चैनल को जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताना हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और बहुत जल्दी बहुत मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले हैं हमारे, हम लोग कहीं ट्रिप में जाने वाले हैं, उसका ब्लॉग शूट होगा, तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा। ये देखो जय महाराज जी आ गए हैं, इनका लास्ट पेपर आज खत्म हो चुका है, तो कैसा लग रहा है लास्ट पेपर खत्म होने के बाद? बड़ा मस्त। तो आज जय महाराज जी के लिए सरप्राइज है अभी। क्या? चलो देखते हैं सरप्राइज। तुम चल, तुम संभालो कैमरे की बागडोर। सरप्राइज आने वाले गाइस, देखते हैं। तो जय महाराज का एग्जाम हो चुके हैं फिनिश, आज इनका लास्ट एग्जाम था फ्रेंच का ना नजर। तो कैसे हुए पेपर अंशु? अच्छे। मैं आपको एक दो वर्ड बताता हूँ। एक है बंजूर। बंजूर माने? हेलो, मतलब खेत बंजूर हो गया है। हाँ, खेत बंजर हो गया है। बंजूर, बंजूर का मतलब हेलो, हेलो बंजूर। और दूसरा, दूसरा शब्द है अभियंतो, यानी कि तीसू अभियंतो। तो जय महाराज जी के एग्जाम पे बोल रहा बहुत अच्छे हुए, बट अब रिजल्ट बताएगा कि क्या हुआ है ना महाराज जी। तो चलते हैं अंदर। यस, केएफसी, केएफसी की तरफ हम जा रहे हैं गाइस। तो अभी हम केएफसी जा रहे हैं। तो यही था आपका सरप्राइज। वाओ, बड़ा बड़ा टेस्टी सरप्राइज है ये। सरप्राइज तो बहुत टेस्टी होने वाला है। तो मैंने कहा यार बेचारे का लास्ट पेपर है और इसको सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो बर्गर है ना मेरे अंशु। बर्गर के लिए भी कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ भी, मतलब कि मुझे फेवरेट है वो बर्गर है। वैसे ही बाहर की चीज़ें बहुत कम खाता है, वैसे खिलाते भी नहीं हूँ। हम लोग इसको बाहर का बहुत कम खिलाते हैं, एक बर्गर ही होता है जो महीने में एक दो बार खा लेता है बस ये। तो आज हम आ चुके हैं कैसे, क्योंकि इसके एग्ज़ाम हो गए, बहुत बेचारे के बहुत स्ट्रेस होगा एक महीने से क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा बर्गर वर्गर खिला के थोड़ा मूड रिफ्रेश कर देते हैं इसका। हाँ, ऑर्डर कर रही है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम हैं केएफसी में। तो केएफसी का जो हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया है, पैसे दे चुके हैं, बस हमारा सामान आने वाला है। फिर हम बैठते कहाँ बैठेंगे? बैठे नहीं तो बैठ जाते हैं, बाहर बैठे उधर बैठे। ठीक है। आज मेरा जी गए हैं सितारगंज कुछ अपने काम से मेडिसिन के, तो मैं और अंशु और अंशु एक और न्यूज़ रखवा लें। आज हम दादू के यहाँ दादू दादी के यहाँ जा रहे हैं। अंशु बहुत खुश रहता है अपने दादा दादी के जाने के लिए, उसे बहुत अच्छा लगता है दादा दादी के साथ। तो आज हम एक बर्थडे में जा रहे हैं वहाँ, वहीं है किसी का बर्थडे, निशा की जो बुआ है ना उनके बेटे का बर्थडे है। हाँ, पिछले साल भी गए थे, तो हम लोग निशा के यहाँ बर्थडे में जाएंगे। वहीं से उसके दादा दादी का घर भी वहीं पर पड़ता है, वो मतलब चाचा चाची के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर हम जाएंगे और वो भी ब्लॉग शूट करेंगे। घूमने का तो तुम बिल्कुल भी शौक नहीं है। हम लोग को आपको देख रही होगी मेरा जी और मुझे कितना शौक है, हम लोग कभी इधर कभी उधर घूमते थे, और इसको जीरो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसे वॉमिटिंग भी होती है और पहाड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद भी नहीं है, है ना? बस एक जगह एक जगह इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। बताओ कौन सी जगह है? बस इसे गोवा जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर हम लोग को फ्लाइट से जाना होता है या ट्रेन से जाना होता है, इसको वॉमिटिंग नहीं होती। दूसरा, वहाँ इसको सी मिल जाता है खेलने के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, और पहाड़ों को इसको उल्टियाँ हो जाती है, बेचारे के हाल खराब हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ इसलिए नहीं जाता, और ये नानी के साथ रहता है या अपनी दादी के साथ रहता है ना। तो मिला, अब हम जाने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत प्यारे प्यारे न्यूज़ आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत चिटान मिल रहा है मैंने, हम लोग बहुत बोलते हैं ना, मैं तो बहुत बोलती हूँ, ये और उसके पापा बहुत कम बोलते हैं, हम दोनों मैं ज़्यादा बोलती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ। सेकेंड नंबर पर
सेकंड में पापा, थर्ड में वायलेट टू गोपाल। तो ये मम्मा लेने जा रही है हमारा बर्गर और ये देखिए उसके लिए अंशु हो रहा है पागल। और आज हमारे साथ है छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी आज गए हुए हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या मतलब, नहीं काम से गए हुए हैं। तो अब हम दोनों जा रहे हैं वापस, अंकु के एग्जाम खत्म, प्रेशर खत्म, अब स्कूल जाने का प्रेशर हो गया है। छुट्टी पर जाते सोच रहा था 10-12 दिन की, बट पड़ी नहीं, स्कूल वालों ने छुट्टी नहीं दी है बेचारे को, मूड ऑफ हो गया इसका। ये मेरा क्यूटी सा बच्चा है, देखा होगा आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में, आगे मेरे दादाजी से मिलेगा अपने घर को। आज जो है ब्लॉगिंग का जो बागडोर है वो सब अंशु ने संभाल रखी है, क्योंकि मैं चला रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ गाड़ी। तो हमारा खूबसूरत सा हल्द्वानी हमारे पीछे दिख रहा होगा आपको, सुपर लंबा करके दिखा मौसम बड़ा मस्त हो रहा है। चलो गाइस आप देखिए ऊपर को जाइए ड्रोन शॉट से। पूजा नाम की एक लड़की भी मिली मेरे पहचान की, हमने उसे आई भी किया और अंशु तब यहाँ ड्रोन शॉट निकालने में लगा हमने GoPro से। तो हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था, जो हमने बहुत इन्जॉय किया आज। हम लोगों ने दोनों माँ बेटे मस्त तरीके से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और ये मस्ती का जो सिलसिला है चलता रहेगा। मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ लेकिन अंशु बहुत आराम आराम से बोलता है, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी हवा की वजह से। इतना हल्के भी नहीं बोलता, कुछ ज़्यादा ही हल्के बोल रहा है। एक्चुअली इसकी स्वीट वॉइस है, स्वीट वॉइस। ये पिथौरागढ़ जो उसके दादा दादी लोग हैं वो DDR पिथौरागढ़ का, तो उनकी जो वहाँ की लैंग्वेज है वो अंशु के उसमें आती है बोलने में, बहुत स्वीट थी क्योंकि ये लोग बहुत स्वीट स्वीट हो गए ना। तो आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं हमें, अगर हमारी वीडियोज़ में कुछ आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस अगर कुछ बोलेगी तो हम उसे ज़रूर करेंगे। तो आज हमारा बेटा आया हुआ है हमारे साथ और हम लोग हैं अभी सेंटर वाली गली में जाने वाले हैं, तो आज हम पूरा हल्द्वानी घूमने वाले हैं। दोनों माँ बेटे ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि पापा है आज मिसिंग, वो गए हैं सितारगंज और वो भी ड्रोन शॉट देख के डर जाएंगे कि कहाँ आए। ये दोनों माँ बेटे कहाँ बमक रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, ड्रोन शॉट कैसे लिया अंशु ने। ओ माय गॉड, अंशु ने आज ड्रोन शॉट 360 सब ले लिया, GoPro 7 से 360 ड्रोन शॉट सब निकाल दिए। यहीं तक जाना है मैं कपड़े लेके। ये भैया बहुत अच्छे सूट सिलते हैं तो मैं अपने सारे सूट यहीं सिलवाती हूँ, आप लोग भी आइएगा यहीं पे कॉन्टेक्स पे आशीर्वाद करके है, और आप यहाँ का ड्रोन शॉट लीजिए तब तक। बाप रे अंशु आज सूट कितने सारे ड्रोन शॉट दिखाएगा, सारे एक ड्रोन शॉट एक ही वीडियो में दिखा देगा। हाँ ये पूरी गली दिखा। तो हम आ चुके हैं कॉन्टेक्स पे, शिवा गार्डन के पास पहुँचे हम लोग हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हम दोनों माँ बेटे को कभी कभी माँ बेटे भी घूमने चाहिए ना अंशु, हमेशा मैं पापा के साथ ही घूमती हूँ और पापा के साथ ही गाना गाती हूँ, मैं आज मैंने सोचा अंशु के साथ भी घूमा जाए, हमारे साथ बहुत कम आता है तो आज आया है, तो मैंने सोचा इसके साथ घूमा जाए और खूब मस्ती की जाए। तो तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू अंशु, तू मासू तू शैतान, ओ आई लव यू अंशु। गाइस हमारे दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आ चुका है, हम अब चौमीन खाने जा रहे हैं। चौमीन नहीं अंशु, नूडल्स। नूडल्स जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ बोलेंगे नूडल्स, नूडल्स, हक्का नूडल्स, हक्का नूडल्स। व्हाई नॉट जस्ट, कहाँ लगा भैया, यहीं पे लगा दे। स्कूल ड्रेस में सारी जगह घूम रहा हूँ, ये देखिए आप ऊपर का व्यू देखिए आप। आज मैंने सोचा अंशु को पूरा मस्त तरीके से उसका आज ट्रिप कर देती हूँ मस्त। तो आज हम लोग बहुत जगह जाने वाले हैं, ये देखो कितना मस्त बनाया है रेस्टोरेंट फुल, माने ये छोटा सा मेरा तक किया है छोटा सा ये मम्मा। आ चुके हैं व्हाइट आउट चार्ट में, आज हमारी हो रही है पता नहीं किस चीज़ की पार्टी, पापा की नहीं होने की पार्टी, पापा गए हुए हैं खत्म होने की पार्टी, ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे घर से, कॉर्टेक्स पे ही है। तो अंशु और मैं आए हुए हैं, अंशु
ये देखो कितना खूबसूरत कर रहा है, और उधर पे बाहर बैठने का भी है ना, कोल्ड कॉफी विथ आइसक्रीम, सॉरी आइसक्रीम, चलो कोल्ड कॉफी विथ आइसक्रीम और हक्का नूडल्स। शाम को अच्छा लगेगा ना, रात को धूप में तुम्हारी यहाँ पर जम जाएगा, गर्मी से हमारा आफत आ जाएगी। देखो यहाँ काफी एरिया है बच्चों के खेलने के लिए, पूरा ग्राउंड इतना बड़ा। देखो मम्मा का यहाँ फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे भी जाती है फोटो खिंचाती है। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. अब मम्मा मेरे से कह रही है फोटो खींचने को, खींच दी। हक्का नूडल आ चुका है, कॉफी भी आ चुकी है विथ आइसक्रीम। बाप रे कितनी सारी आइसक्रीम है, बाहर निकल रही है। व्हाइट और चार रेस्टोरेंट में तो काफी अच्छी सर्विसेज थी, खाना भी बहुत अच्छा था। तो ये भैया लोग हैं यहाँ पर, अपना नाम बता दो। पंकज। ये पंकज भैया है, आप कमल? तो ये पंकज भैया और कमल भैया, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब बनाया था, हक्का नूडल्स भी बहुत टेस्टी हो रहा था और कोल्ड कॉफी भी बहुत टेस्टी हो रही थी। तो आप लोग भी आइएगा रेस्टोरेंट में, काफी अच्छा है। और हम लोग वापस जाते हैं बिल विल दे के। ऐसे देखो मैंने सब्सक्राइबर बढ़ा दिया है। तो रहे हैं, काफ़ी अच्छा था वाइट और चार्ट, काफ़ी डेकोरेट कर रखा है फ्लावर वगैरह से। और उधर पे देखिए बहुत ज़्यादा ग्राउंड भी है, और ये इतने इन्होंने अम्ब्रेलास का इतना अच्छा बना रखा है, मस्त। तो हम चलते हैं यहाँ से आगे। हाँ, बहुत यहाँ पर वाइट और चार्ट में आए, खूब मस्ती करी दोनों माँ बेटे ने, डांस किया, मस्ती की, खूब बाइक राइड भी की। तो अब हम चैनल को यहीं पर क्या हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ऐसी खूब सारी वीडियो में मिलते रहेंगे। तो अंशु बोलो तुम, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल YJ Vlogs। तो बच्चे की बात जल्दी से मान लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।